कल माननीय प्रधानमंत्री जी सभी माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ लगभग 6 घंटा चर्चा की, विस्तार से चर्चा किए। सभी माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने प्रदेश के समस्याएं भी रखी और आवश्यकताओं के बारे में माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रियों को अपनी भावनाओं से अवगत कराया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर विशेष पैकेज की मांग की थी, खासकर जो लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, व्यापार उसे संचालित करने के लिए आर्थिक पैकेज की मांग उन्होंने कही थी। छत्तीसगढ़ के ओर से भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को अनेक बार पत्र लिखे और कल वीसी में भी इस बात का मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक पैकेज के रूप में 30,000 करोड़ रुपया दिया जाए ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी में लाया जा सके। ये पैकेज पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए, कल अब वित्त मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगी, तब स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रावधानों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा। राज्य सरकार को भी इसमें कितना मिल पाया है, क्योंकि राज्य सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे सिंचाई योजना हो, चाहे PWD की सड़कें के निर्माण का है, सामाजिक क्षेत्र में और विकास कार्य में कितना अनुदान या सहयोग मिलता है, ये कल ही स्पष्ट हो पाएगा। सर, लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 मई तक हम बता देंगे किस तरीके का नया लॉकडाउन होगा, लेकिन जिस तरीके से स्टेट से सुझाव आए हैं उन्हीं के सुझाव के आधार पर लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए। हमने कल ही प्रधानमंत्री जी से कह दिया था कि ये रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, इसे डिक्लेयर करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होना चाहिए। राज्य के भीतर गतिविधि संचालित करने का अधिकार भी राज्य सरकार को होना चाहिए। राज्य के सीमाओं को निश्चित रूप से सील किया जाए, लेकिन हवाई यात्रा और रेल यात्रा के लिए राज्य सरकारों से सहमति होनी चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।